देखिए अब ये सिनेमा का नया दौर है, बड़ा दिलचस्प दौर है। हर तरह का सिनेमा हो रहा है, दिखाया जा रहा है, लोग देख भी रहे हैं, कुछ कम देख रहे हैं, कुछ ज़्यादा देख रहे हैं। अभी देखिए ये कितनी दिलचस्प बात है कि 100 साल में पहली बार दो फिल्में जिनकी कहानी लगभग एक होनी चाहिए, जिनका टाइटल भी एक है, एक ही स्क्रिप्ट के ढांचे पर, एक ही स्क्रिप्ट की डिटेल नहीं लेकिन एक ही स्क्रिप्ट के ढांचे पर दो फिल्में एक साथ में रिलीज़ हो रही हैं, एक जो 32 साल पहले बनी थी, एक जो आज बनी है, और एक ही जगह पे एक ही साथ दिखाई जाएंगी। तो कई मेमोरीज, किसी ने मेमोरीज की बात की, वो मेमोरीज कई ताज़ा हो जाती हैं। तो मेमोरीज तो वहाँ से शुरू करें जहाँ से शोना जी शुरू हुई थी, और शोना जी इस टेबल से भी नीचे थी जब ये फिल्म शुरू हुई। अब जो है देखिए 6 फुट की हो गई हैं और बहुत काबिल डायरेक्टर भी हैं। PLA प्रोडक्शन को अब इन्होंने संभाल भी लिया है। सास बहू सेंसेक्स नाम की एक अच्छी फिल्म भी इन्होंने बनाई थी और अब भी कई फिल्में बनाने की धमकी दे रही हैं। इनके जोक्स फिर से सरफेस कर रहे हैं, कुछ सारा माहौल वापस जो है ना पहला वाला बताएंगे आपको कितना डिफिकल्ट था, कितना इजी था और कितना एक्सपेंसिव था। हम तो ये बता सकते हैं कि हमें बहुत खुशी है कि ये हुआ है और इसकी वजह से फिल्म के जो नेगेटिव है उसको एक बहुत लंबी एक और रिलीज ऑफ लाइफ मिल गई। 32 साल के बाद दोबारा रिलीज होगी आज से 32 साल के बाद। कॉम्पिटिशन तो है ही नहीं ना, कॉम्पिटिशन की कोई ऐसा तो है नहीं कि हर जगह मतलब कि मारामारी होने वाली है और 2 लाइनें लगेंगी हर थिएटर के बाद, ऐसा तो होने वाला नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि मतलब इट्स अ ट्रिब्यूट टू द ओरिजिनल चश्मे बद्दू दैट द प्रोड्यूसर ऑफ दिस वर्शन दे यू नो दे आर मेकिंग रीमेक ऑन दिस वन। इट्स अ वेरी गुड थिंग। ओरिजिनल मटेरियल इज ब्रिलियंट, इट वाज वर्थ सेविंग। तो एक्चुअली इसका जो रेस्टोरेशन है PLA एंटरटेनमेंट ने किया हुआ है। रिलायंस मीडिया वर्क्स हैज हेल्प्ड अस ग्रो। दे आर द पीपल जिनके यहां जाके हमने ये प्रोसेस किया है। तो उनके लैब्स हमने यूज किए हैं इस रिस्टोर में। आपकी स्क्रिप्ट में क्या बात है जो आप कहना चाहते हैं? अब जैसे अभी मैं जिक्र कर रहा था कि भाई ये जब लड़कियों में दिलचस्पी लेते थे उस फिल्म में तो उसको कहते शिकार जरूर थे लेकिन उसके साथ बर्ताव बहुत शाइस्ता करते थे। जिन्होंने चश्मे बद्दूर देखी है ये वाली, वो देखेंगे कि जोमो और ओमी जो हैं जब नेहा जी की बातें करते हैं तो कोई ऐसी भद्दी या भोंदी बात नहीं करते। वो अपने फ्लैशबैक बताते हैं जो बहुत फायदे के होते हैं, बहुत ह्यूमरस भी होते हैं और इनके दिल को खुश कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं कि नेहा जी के दिमाग खराब हो जाता हो। सो दैट इज डेफिनेटली अ डिफरेंट दैट कम्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट, दैट आल्सो कम्स फ्रॉम द वैल्यू सिस्टम ऑफ द फिल्म मेकर एंड द फिल्म्स राइटर डायरेक्टर।